हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में दोस्तों हम जाने वाले हैं 80 घाट और वहां पर दोस्तों लेकर जाएंगे अपने कैनन के R50 को और साथ ही दोस्तों देखेंगे कि हमारा ये कैमरा जो है इसकी फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसे रहने वाली है और साथ ही दोस्तों इसमें कुछ ऐसे अमेजिंग मोड्स दिए हुए हैं जिसे हम दोस्तों आज की इसी वीडियो में चेक करने वाले हैं और साथ ही दोस्तों मैं इसका स्लोमो भी आपको जरूर दिखाऊंगा। तो चलते दोस्तों, लेट्स स्टार्टेड। तो निकलने से पहले दोस्तों ले लेते अपने कुछ जरूरी सामान। मैं अपना बैग लेना भूल गया था दोस्तों, जिसमें कि हमने अपना कैमरा रखा हुआ था और उसी के साथ दोस्तों निकल चुके हैं आगे की ओर और हम पहुंच चुके हैं 80 घाट पे। और अभी दोस्तों काफी शाम हो चुकी है, अभी 5:30 बज चुके हैं और तो और दोस्तों आज भीड़ भी बहुत ज्यादा कम है। तो पहुंचने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने आसपास की कुछ चीज़ों की फ़ोटोज़ क्लिक किए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ पैनिंग मोड का, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। एंड उसी के साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ गया और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, कुछ नाव की फ़ोटो क्लिक की तो कुछ आसपास की चीज़ों की। और उसी के साथ दोस्तों मैंने इसके बहुत से मोड्स को सर्च किया और आगे की ओर बढ़ गया। एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वीडियोस ट्राई किए जाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक प्यारी सी दुकान दिखी, जिसकी दोस्तों मैंने 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग की, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो। एंड इसी के साथ दोस्तों मैंने इसके कुछ अदर मोड्स को भी ट्राई किया, जिसमें कि दोस्तों आपको मिल जाता है क्रिएटिव फिल्टर के नाम से। और ये जो मोड है दोस्तों, इसमें आप कुछ इस तरीके की फोटोज निकाल सकते हो। इस इफेक्ट का नाम है दोस्तों ग्रेनी BW, जो कि दोस्तों आपको कुछ ब्लैक कलर की फोटोज निकाल के देता है। और साथ ही दोस्तों ये जो आप अभी मोड देखने वाले हो, इसका नाम है फिश आई इफेक्ट, जिसमें कि दोस्तों आप कुछ इस तरीके के डिफरेंट फोटोज क्लिक कर सकते हो। और उसी के साथ दोस्तों शाम काफी ज्यादा हो चुकी थी और चारों तरफ लाइटें जल चुकी थी। और साथ ही दोस्तों मेरे सामने था 80 घाट का वो सीन, जहाँ पर दोस्तों हमेशा आरती होती है शाम के टाइम पे। और आज दोस्तों काफी ज्यादा खाली भी था, तो मैंने इसमें दोस्तों ट्राई किया ऑटोमेटिक मोड। और इस मोड के थ्रू होता क्या है दोस्तों, कि आपकी जो फोटोज होती है ना, जो भी आप फोटोज क्लिक करते हो, काफी ज्यादा इनहेंस और काफी ज्यादा कलर्स के साथ निकल के आती है। और ये जो फोटोज दोस्तों आप देख रहे हो, इसे मैंने आज शाम के टाइम में ही क्लिक किया हुआ है। वैसे दोस्तों अब जो आप फोटोज देखने वाले हैं, वो सारी की सारी फोटोज इसी कैमरे की हैं। और ये जो फोटो देख रहे हो दोस्तों, ये है क्रिएटिव फिल्टर्स के थ्रू। और साथ ही दोस्तों इसमें हमने ट्राई किया था मैनुअल मोड, और इस मैनुअल मोड के थ्रू दोस्तों हमने नॉर्मली फोटोज क्लिक की थी। और ये दोस्तों मेरा फेवरेट पैनिंग मोड है, जिसमें कि दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके की फोटोज निकल के आती है। बैकग्राउंड दोस्तों काफी तगड़ा सा ब्लर हो जाता है। और ये दोस्तों जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ऑटो मोड के थ्रू आया हुआ ये फोटो। और इस फोटो में दोस्तों मैंने कोई भी इफेक्ट यूज नहीं किया हुआ था। तो अब बारी है दोस्तों हमारी वीडियो क्वालिटी के, जिसमें कि आपको पता चलेगा इसका फोकस मोड कैसा है। तो यहाँ दोस्तों हमने इसका यूज किया था प्रोडक्ट फोकस मोड, जिसमें कि आप देख सकते हो काफी जल्दी ये दोस्तों डिटेक्ट कर लेता है हमारे किसी भी गैजेट को। और इसका ये प्रोडक्ट फोकस मोड दोस्तों मुझे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और आगे चल के भी दोस्तों हमने एक बार फिर से इसे ट्राई किया था, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से ये डिटेक्ट कर ले रहा है। और जब मैंने दोस्तों इसका नॉर्मली फोकस मोड भी ट्राई किया था, जब मैं इसमें आगे पीछे भी बढ़ रहा था, तो भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता था। तो अब आ रही दोस्तों स्लो मोशन वीडियो की। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों, ये रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS पे, जिसमें कि दोस्तों आपको पता चल रहा होगा इसकी वीडियो क्वालिटी। एंड यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ फोटोज ट्राई की थी, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि मैंने इसके अलग अलग मोड्स को भी ट्राई किया था। As the chemicals they take us higher, the night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. दोस्तों आज के इसी वीडियो में, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, एंड बाय।